हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम करेंगे रिव्यू ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड कॉमिक फ्रॉम क्यूरियस बिट पब्लिकेशन एंड दैट इज एन वन ऑरिजिन इशू फॉर सो गाइस इससे पहले एन वन का ऑलरेडी तीन इशूज रिलीज हो चुका है एंड हियर दे आर एंड बिफोर वी डेल्व इन टू द फोर्थ इशू लेट मी गिव यू अ ब्रीफ प्लॉटिस बात कुछ ऐसा है दोस्तों ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट है और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने में काफी वक्त चला जाएगा सो इन ऑल आई कैन से इज दैट आर एन द फर्स्ट फाइव जिनका काम था प्रोक्रिएशन एंड मेंटेनिंग बैलेंस इन द यूनिवर्स एंड देन देर वॉज दिक्स द विलन ऑफ द प्लॉट जिसका काम है डिस्ट्रक्शन रैम्पेज एंड एनाशन ऑफ एवरीथिंग दैट वी नो सो वाइल द फर्स्ट फाइव इन डिफरेंट दिक्कत वॉज ऑलरेडी कैरिंग आउट प्लान विद मेलिशियस इंटेंट और ऐसे में मेजर वायु को बनना पड़ता है एन वन एंड ही शुड टेक अप द लीडरशिप ऑफ द एन फाइव टू स्टॉप द सिक्स वंस एंड फॉर ऑल और इसी जर्नी के थ्रू मेजर वायु का बहुत सारे रिविलेशन होता है अबाउट हिज ऑरिजिन पास्ट अबाउट हिज पेरेंट्स हिज रिलेशन एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लीकेटेड कंसेप्ट एक बहुत ही इंडियन ग्रीनलैंड टन वाला वाइब आपको कभी कभी मिल सकता है इससे बट ट्रस्ट मे गाइज द राइटर वरुण मल्होत्रा हैज क्वाइट अ ग्रेट येट कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट इन हिज माइंड बट हाउ सक्सेसफुल वज ही इन डिलीवरिंग हिज कंसेप्ट रीडर्स दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन टूडेज वीडियो सो गाइज ये एन वन ऑरिजिन इशू वन एंड दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द सीरीज शुरू होता है आर्टिस्ट चेंजेसाइल एंड द कैरेक्टर डिजाइन एज वेल सो एक डिस्कटिन्यूस so well. so वाला फील आपको इश्यू टू से मिलेगा बट देन यू विल गेट यूज टू इट बिकॉज वही आर्टिस्ट कंटिन्यू करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द इशूज सो लेट्स टेक इन साइड द सेकंड इश्यू जहां पर थोड़ा और प्लॉट रिवलेशन होता है एंड एज यू कैन सी द आर्ट वर्क इज फेनल इन दिस वन एंड बाई फर इन चारों में से इसी में सबसे बेहतरीन आर्टवर्क आपको मिलेगा क्योंकि इसके बाद जो आर्टवर्क जेरेट ने पुट आउट किया है बाय द वे द आर्टिस्ट नेम इज जेरेट कैट्स फ्रॉम इशू टू टू इशू फोर सो यहां पर जल्दबाजी बताया गया है एंड इट इज क्लियरली एविडेंट इसका कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी है सो क्यूरियस बिट ने यह चारों कॉमिक्स यानी कि पूरा ऑरिजिन सीरीज को एक ही साल के अंदर निपटा दिया है जो आजकल हार्डली कोई इंडियन पब्लिशर कर पाते हैं बट इसी जल्दबाजी के कारण क्वालिटी में थोड़ा कम्प्रोमाइज हुआ है एंड द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जब इश्यू वन और टू रिलीज हुआ था और रीडर्स ने इसको पढ़े इंक्लूडिंग मी वी वेर रियली कंफ्यूज अबाउट वट द राइटर इज थिंकिंग अबाउट व्हाट इज ट्राइंग टू टेल अस क्योंकि उनका ये यूनिवर्स इतना कम्पलेक्स और कन्वल्यूटेड है की बिना कोई प्रॉपर इंट्रोडक्शन उसको समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पोसिबल है सो so, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया था इशू थ्री में एंड हेन्स फोर्थ द रीडिंग एक्सपीरियस इम्प्रूव बाई लीप्स एंड बाउंड आप फाइनली चीजों को समझने लगेंगे उनको इंटरप्रिट कर पाएंगे एंड एक्चुअली आप वो समझ पाएंगे कि रीडर क्या सोच रहा है वट इज हिज प्लान अबाउट द स्टोरी वट इज ट्राइंग टू टेल सो वो चीज थोड़ा बहुत क्लियर होता है फ्रॉम इश्यू थ्री ऑनवर्ड्स एंड देन फाइनली कम्स द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द सीरीज एंड वन ऑरिजिन इशू फोर एंड ये एक डबल पेज स्प्रेड कवर है सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक ऑसम राइट और यहाँ पर क्लोजर होता है यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना रिविलेशन होता है अबाउट एन वन हाउ ही स्टॉप दिक्स वाई दिक्कस इज हेल्बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग दैट वी नो सो ये सारी चीजें बहुत हद तक क्लैरिफाई होता है बट द स्टोरी इज फार फ्रॉम बींग फिनिश्ड ये बस ऑरिजिन खत्म हुआ है इसके बाद एडवेंचर्स वगैरह बहुत कुछ कंटिन्यू होने वाला है देर आर आर लॉट ऑफ प्लान्स एंड मोर ओवर इन चारों का एक कम्बाइंड हिंदी एडिशन भी आ सकता है दोस्तों इन द नियर फ्यूचर बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इट से जल्दबाजी अपनाया गया है एंड यू कैन क्लियरली सी दैट फ्रॉम दिस पैनल्स यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो चीज दिस पैनल बिकॉज द सेम आर्टिस्ट है फेनोमिनल वर्क ओवर देयर एज यू कैन सी सो जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा बट एनी वे वट इज डन इज डन एंड इट्स नाउ द टाइम फॉर रेटिंग सो इशू फोर को मैं स्टोरी के लिए दूंगा थ्री पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव वहीं आर्ट के लिए भी इसको मैं ही दूंगा सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ सेवन आउट ऑफ टेन लेकिन अगर हम ओवरऑल रिव्यू का बात करें तो इट गेट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स इशू वन में आर्ट वर्क थोड़ा वीक था इशू टू में इट इम्प्रूव वेरी वेल इशू थ्री में वो थोड़ा डाउनग्रेड हुआ और इशू फोर में वो थोड़ा और डाउनग्रेड हुआ लेकिन अगर हम ओवरऑल आर्ट वर्क का बात करें तो इट विल गेट अ थ्री पॉइंट एट आउट ऑफ फाइव फ्रॉम मी वही स्टोरी में भी डाउन है इशू वन एंड इशू टू वेर वेरी कंफ्यूजिंग इट वॉज काइंड ऑफ एन एक्ट टू गो थ्रू देम बट देन इशू थ्री में कुछ इन एंटायरिटी बट वी गेट अ क्लोजर टू द फर्स्ट स्टोरी आर्क ऑफ एन वन सो येस इट वॉज अ बंपी राइट देर एंड अपाउंस बट ओवरऑल मैं स्टोरी के लिए इसको दूंगा थ्री पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव सो एन वन ऑरिजिन इशू वन टू इशू फोर इन कंबिनेशन गेट्स टोटल ऑफ 7 out of 10, which makes it a decent trade. नाउ इफ यू आर थिंकिंग अबाउट रीडिंग एन वन और अभी तक इसको आप नहीं किया है यू कैन डेफिनेटली गिव ट्राइ एक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंडियन पब्लिशर का एफर्ट्स दिखेगा एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट की आप, आप इसे खरीद सकते हैं एमेजोन पर इसको पढ़कर वहां पर आप रिव्यू कर सकते हैं शॉर्ट रिव्यू इन देसबुक यू कैन राइट योर शॉर्ट रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन ऑफ माई चैनल बट यस स्प्रेड द वर्ड बिकॉज इनका काम काबिल तारीफ है और आगे इम्प्रूव करेंगे ये लोग बिकॉज दे आर सेल द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम एंड देर ट्री

now as you have seen in the video thumbnail and also in the title key there is also going to be a giveaway so guys if you want to win this set of n1 origins just a combined cumulative price around rupees 1500 then you will have to follow the following steps first of all you will have to be a subscriber to my channel second you will have to follow me and curiousbit on instagram then you will have to draw a fan art for n1 चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो कलर हो डिजिटल हो मैनुअली हो ड नॉट मैटर यू जस्ट हैर्ट वर्क ऑन इंस्टा टैगिंग मी एंड क्यूरियस बिट इन दैट पोस्ट विद है कैप्शन एंड दैट सेट फर्स्ट मार्च को रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा सो यू हैव कपल ऑफ डेज टाइम मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड स्टैंड अ चांस टू विन एन वन ऑरिजिन कम्प्लीट सेट सारे स्टेप्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सो so धेर किस बात की पुट योर स्किल्स टू सम यूज एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट